this is the application. This is the format of the application. Okay, in very fast manner I'm going to explain you how to write the application. आप लोगों को बड़े fast manner में explain करने वाला हूँ कैसे application write करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को इसका video send कर दूंगा जहाँ पे मैंने explain किया है कि इसका format क्या होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को write करके बताता हूँ application कैसे write करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने application है, आप लोगों को इसका फॉर्मेट का वीडियो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसके फॉर्मेट को भी देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ, केवल एक एप्लीकेशन राइट करना बता रहा हूँ। सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, कि आप लोगों को क्या करना है, आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उसके लिए एप्लीकेशन, उनको एक एप्लीकेशन राइट करना है। क्यों एप्लीकेशन राइट करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें क्या बताया हुआ है। फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्यों एप्लीकेशन राइट करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन राइट करना है। तो सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे टू प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम लिख देंगे द गोल्डन पब्लिक स्कूल। नीचे उसका एड्रेस लिखेंगे जैसे इंदौर लिखा है, और ब्रैकेट में स्टेट लिख देंगे, और उसके बाद में डेट लिखेंगे, ये जो फॉर्मेट दिया है डेट का August 18, 2020 ये लिखेंगे। देन आफ्टर हम लोगों को राइट करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर SLC। सेम एज इट इज, अगर ये एप्लीकेशन सिकले की होती है तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट में लिखते हैं एन एप्लीकेशन फॉर SLC। ये यहाँ तक, ये जो डेट तक है, ये फॉर्मेट तो सभी एप्लीकेशन में कंपलसरी हम लोग ऐसा ही राइट करेंगे। फिर उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर या मैम, अगर प्रिंसिपल सर सर है तो हम लोग राइट करेंगे रिस्पेक्टेड सर, और अगर प्रिंसिपल मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम राइट करेंगे। फिर हम अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, आई बेग टू से दैट आई एम राकेश कुमार स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन योर स्कूल, कि मैं राकेश कुमार हूँ आपकी क्लास, आपके स्कूल में क्लास 6 में पढ़ता हूँ। माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कि मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, ही हैज बीन ट्रांसफर टू मुंबई, कि उनका मुंबई ट्रांसफर हो गया है। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, इसलिए मैं मेरी जो स्टडी है यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मतलब आपके इस स्कूल में कंटिन्यू कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पापा का ट्रांसफर हो गया तो मुंबई ही रहेंगे ना, और मुंबई रहेंगे तो मुझे भी वहीं रहना होगा। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई मे ज्वाइन द न्यू स्कूल देयर, और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे नया, सॉरी, मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मतलब PC अवेलेबल करा दें, ताकि मैं वहां पर मुंबई में पापा के साथ में रह सकूँ और वहां पर नई स्कूल को ज्वाइन कर सकूँ। और यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में ऐसा हर एप्लीकेशन में राइट करना है, थैंक यू योर्स ओबीडिएंटली, आपका नाम लिखना है, नीचे आपकी क्लास राइट करना। तो ये थी एप्लीकेशन इसके लिए SLC के लिए। अब मैं आप लोगों को सेम एप्लीकेशन है ना दूसरे रीजन के लिए बताता हूँ सेम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ये रहेगा टू, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू आर राकेश कुमार स्टूडेंट क्लास 10th इन गोल्डन पब्लिक स्कूल इंदौर MP। अब आपको इसने एड्रेस और आपके नाम पते भी दे दिए, तो आप लोगों को यही नाम रखना है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, कि आपको अपने प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन राइट करना है सिक लीव के लिए। तो लिखेंगे हम लोग टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखेंगे द गोल्डन पब्लिक स्कूल, अगर पैरामाउंट है तो पैरामाउंट लिख देंगे, या फिर गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल का नाम राइट कर देंगे, उसकी जो प्लेस है इंदौर MP भोपाल जो है वो राइट कर देंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग MP राइट करेंगे, ब्रैकेट में स्टेट का, डेट राइट करेंगे August 18, 2020, सब्जेक्ट राइट करेंगे एन एप्लीकेशन फॉर SLC, रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम, आई बेग टू से दैट आई एम, अपने बारे में बताना है। अब फिर यहाँ बताएंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 डेज, है ना, कि मैं कल रात से फीवर आ रहा है मुझे, है ना, डॉक्टर ने एडवाइस दी है कि मुझे क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल फ्रॉम August 2020 to August 26, है ना, जो भी डेट रहेगी 2 दिन 4 दिन की आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आप इसी दिन स्कूल नहीं आ पाएंगे। सो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली राकेश कुमार क्लास 6, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी। आप चाहें तो थर्ड एप्लीकेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है थर्ड एप्लीकेशन जो अर्जेंट वर्क के लिए, ये किसके लिए, अर्जेंट वर्क के लिए। आप यहाँ से अर्जेंट वर्क के लिए एप्लीकेशन भी राइट कर सकते हैं। फॉर्मेट सभी के लिए सेम होगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन सेम देंगे, बस नई चीजें आ जाएगी, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम सो आई एम अनेबल टू कम्प्लीट, सॉरी आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, बस इतना लिखना, बाकी तो सेम टू सेम सभी एप्लीकेशन में यही आएगा। आपका इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही आएगा, है ना, लास्ट में आप लोगों को ये चीजें थैंकिंग यू योर सो ओबीडिएंटली राइट करना है,
ऊपर ही।